चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जुबान की बढ़ती तलखी पूरी दुनिया के लिए आगे आने वाले कठिन समय का इशारा कर रहे हैं। चीन भारत के साथ भी LAC पर अतिक्रमण कर भारत की बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या चीन इतना ताकतवर है कि वह एक साथ अमेरिका, भारत, जापान, वियतनाम, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को आंखें दिखा पाता है? यह सवाल लाख टके का है, लेकिन हम जब तक चीन की ताकत का सारे पैमाने पर विश्लेषण नहीं करते, हमें हकीकत पता नहीं चलती है। किसी भी देश की ताकत को नापने के चार पैमाने हैं। पहला उसका आर्थिक, दूसरी सामरिक, तीसरी तकनीकी और चौथा सांस्कृतिक यानी कि सॉफ्ट पावर का पैमाना है। अब हम दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी अमेरिका और दूसरे नंबर की इकोनॉमी चीन की इन चारों पैमाने पर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, हकीकत सामने आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले आर्थिक पैमाने पर आते हैं। प्राथमिक रूप से अमेरिका की इकोनॉमी $19 trillion की है और चीन की $12 trillion की। दोनों के बीच इकोनॉमी में $7.5 trillion का फर्क है। चीन का ग्रोथ रेट लगभग 6% का है, जबकि अमेरिका का केवल 3% का। ऐसा प्रतीत होता है मानो अगले 2 से 3 दशक में चीन अमेरिका को पछाड़ देगा, पर हकीकत ऐसा नहीं है। दरअसल चीन की ग्रोथ में ज़्यादातर योगदान अमेरिकी कंपनियों का है, जिससे उसके GDP में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया की टॉप 20 कंपनीज में केवल 3 चीनी कंपनियां हैं, 5 अन्य देशों की हैं और 14 अमेरिकी कंपनियां हैं। दुनिया के 10 टॉप ब्रांड्स में केवल एक ब्रांड चाइना का है, वो है चाइना मोबाइल। वो भी इसलिए कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से मोबाइल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $30 trillion का है, जबकि चीन का $6.33 trillion का है। दोनों देशों के शेयर बाजार में लगी पूंजी में 5 गुने का फर्क है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $64,000 है, जबकि चीन की केवल $18,000, यानी एक तिहाई से भी कम। चीन की बढ़ती इकोनॉमी में अमेरिका के मशहूर ब्रांड्स की नकल और यहाँ तक कि उसके स्टोर्स की फेक कॉपी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे चीन में धड़ल्ले से एप्पल स्टोर्स, KFC आउटलेट, मैकडोनाल्ड फूड चेन, स्टारबक्स कैफे, नाइक और एडिडास जैसे अनेक मशहूर ब्रांड्स के नकली स्टोर्स और आउटलेट्स चल रहे हैं। इसके चलने में चीन की सरकार का पूरा साथ है। अमेरिका की 50 साल पुरानी मेहनत से बनाए ब्रांड्स का चीन नाजायज फायदा अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में कर रहा है। इस तरह की 2 नंबरी इकोनॉमी से अमेरिका जैसी कानून परस्त और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जबरदस्त सुरक्षा करने वाली इकोनॉमी की कोई तुलना नहीं। दरअसल चीन ने तमाम तरह की चालबाजियां करके दुनिया का बैड बॉय बनकर अपने इकोनॉमी के नंबर तो बढ़ा लिए हैं, पर इस पर बने रहना बहुत मुश्किल है। नशा किया हुआ यह बंदर अब दाल से गिरने वाला है। अब हम आते हैं दूसरे पैमाने पर, जो कि सामरिक ताकत का पैमाना है। अमेरिका का रक्षा खर्च $732 बिलियन का है, जबकि चीन का $262 बिलियन का। वैसे तो यह फर्क बहुत अधिक है, पर मिलिट्री साजो सामान हार्डवेयर के क्वांटिटी के पैमाने पर चीन शायद अमेरिका के आगे टिक जाए, पर अमेरिकी डिफेंस उत्पादों के क्वालिटी के आगे कबाड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। चीन ने अपनी सारी आधुनिक तकनीक सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए यूक्रेन से खरीदी है। बाकी की तकनीक वह रशियन हार्डवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी कि किसी भी हार्डवेयर के पार्ट पार्ट को खोलकर उसे अपने यहाँ बनाकर फिर से जोड़ना इसके जरिए करता है। यह एक तरह से तकनीकी की चोरी है। 2015 में चीन के जासूसों ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से आधुनिकतम विमान F-35 के ब्लूप्रिंट चुरा लिए। उसने इस डिजाइन की मदद से अपना पहला राडार से अदृश्य विमान J-20 बनाया, मगर जैसे ही अपना डेवलप किया हुआ जेट इंजन WS-10 लगाया, इसकी गोबर छाप तकनीक का पंचर खुल गया, हवा निकल गई। बुरी तरह आवाज करते और कांपते विमान ने चीन की फुहड़ नकल और चोरी की पोल पट्टी खोलकर रख दी। चीन की क्वालिटी का एक नमूना रूस में होने वाले वॉर गेम में दिखा, जहां भाग लेने वाले एक चीनी टैंक दौड़ते दौड़ते टूट गया। भारत ने भी T-90 टैंक के साथ इस वॉर गेम में हिस्सा लिया था। चीन की बहुत जगह हंसाई हुई थी। अभी हाल में ईरान के एक जहाज में चीनी मिसाइल के फटने से ईरान के 19 सैनिक मारे गए और उसका जहाज भी डूब गया। अब आते हैं समुद्री ताकत पर। जिस विमान वाहक पोत की टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने 1950 में विकसित कर लिया था, चीन अभी उससे कोसों दूर है। चीन के पास अभी केवल एक ही विमान वाहक पोत है, वो भी पुराना और यूक्रेन से खरीदा हुआ। दूसरे विमान वाहक पोत का चीन अभी ट्रायल कर रहा है, वह भी पूर्ण स्वदेशी नहीं है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के आगे टाइम फिक्स है। अमेरिका के पूरे दुनिया में अनेक सैन्य अड्डे हैं और दुनिया के किसी भी देश और क्षेत्र में उसे अपनी सेना भेजने में संकोच नहीं होता है। उसकी सेना को युद्ध लड़ने का बेमिसाल अनुभव है। लेकिन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 1962 में भारत के साथ हुई एक छोटी लड़ाई के अलावा वियतनाम से मिली हार और ताइवान को आंखें दिखाने के अलावा कोई अनुभव नहीं है। इसकी सेना वीडियो और तस्वीरों में शानदार दिखती है, पर यह प्रोपेगेंडा है।
लड़ने का मादा चीनी सेना में है यह भी साबित होना है। डोकलाम में चीनी सेना की मनोवैज्ञानिक हार चीन की असल कहानी बयान करती है। तीसरा पैमाना है तकनीकी का पैमाना। प्राथमिक तौर पर जब भी आप चीन जाते हैं, वहाँ उतरते हैं, आपको सबसे पहले दिखती है बहुमंजिली इमारतें, बुलेट ट्रेन, रोबोटिक कारखाने, आधुनिक पुल और सड़कें, यानी सब कुछ वैसा ही जैसा कि एक विकसित देश में होता है। पर जरा अंदर झांकिए और चीन की गूढ़ तकनीकी क्षमता को समझिए। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंडिंग कर चुके थे। चीन के पास उस दिन की टेक्नोलॉजी आज भी उपलब्ध नहीं है। चीन ने अपने पहले एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की कक्षा में 21 घंटे के लिए 2003 में भेजा और एक क्रूड रॉकेट से 2011 में स्पेस वॉक किया, जिस पर भी काफी संदेह व्यक्त किया जाता है। अमेरिका और रूस ने अपने दम पर अंतरिक्ष में जाने लायक क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की है, जबकि चीन इसकी नकल भर कर रहा है। चांद पर पहुंचने में चीन को अभी भी 10 साल से ऊपर लगेंगे। अब हम आते हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर। वैसे तो जेट इंजन का आविष्कार 1950 के दशक में ही हो गया था, पर 1970 में जेट इंजन में नई फ्यूल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के आने के बाद अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली। आज भी दुनिया के केवल 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही इस टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं। चीन भी काफी समय से जेट इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहा है, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजाय वह रिवर्स इंजीनियरिंग के मदद से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को पाना चाहता है, मगर आज भी वो लक्ष्य से कोसों दूर है। यही वजह है कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में 90% बाजार यूरोप और अमेरिका की 2 कंपनियां बोइंग और एयरबस के पास है। चीन भी खुद इन दोनों कंपनियों का बड़ा ग्राहक है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और रोबोट को चलाने वाले दिमाग यानी माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर्स की। इस गुप्त तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिकियों का लगभग एकाधिकार है। आज आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर इंटेल या AMD चिपसेट के बिना चलाने की कल्पना नहीं कर सकते। वीडियो ग्राफिक्स में NVIDIA का एकाधिकार है। ये सभी USA की जायंट कंपनियां हैं। इनके अलावा कोरिया की सैमसंग और जापान की हिटाची जैसी कंपनियों के पास भी एक बड़ा बाजार है। चीन भी हाथ पांव मार रहा है, पर अभी काफ़ी पीछे है। चीन के निर्यात होने वाले ज़्यादातर उत्पाद में इन्हीं कंपनियों के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। अब आइए इन मोबाइल कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को समझें। दुनिया के 90% स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड, क्वालकॉम और विंडोज के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। एप्पल के मोबाइल फ़ोन का भी अपना ही अलग प्लेटफॉर्म है। ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। हालांकि चीन अपने देश में अपने मोबाइल और कंप्यूटर में अपना डेवलप किया हुआ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके यहाँ से निर्यात होने वाले सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल अमेरिकी सॉफ्टवेयर से लैस होते हैं। आज चीन ने इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल रोका तो कल से सारी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेत लेंगी। क्या आप बिना गूगल सर्च इंजन, गूगल मैप, प्ले स्टोर, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के बिना किसी मोबाइल फोन की कल्पना कर सकते हैं? ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। अमेरिकी सॉफ्टवेयर की ताकत असीमित है, यानी चीन चूजा है उसके आगे। अब आते हैं चौथे और आखिरी पैमाने पर, जो कि है सांस्कृतिक यानी कि सॉफ्ट पावर का पैमाना। शुरुआत करते हैं फिल्मों से। अमेरिका की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पूरे दुनिया पर इतना प्रभाव है कि हॉलीवुड के ऑस्कर पुरस्कार को दुनिया के फिल्मों का बेंचमार्क मान लिया गया है। हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की घरेलू मार्केट को छोड़कर पूरे विश्व से $42 बिलियन कमाती हैं। चीन में भी इसका बड़ा बाजार है, पर इसके उलट चीनी फिल्मों का दुनिया में कोई खास प्रभाव नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों के रॉकी, जेम्स बॉन्ड और डर्टी हैरी जैसे कैरेक्टर पूरी दुनिया के लिए हाउसहोल्ड नेम है। चीन की कुंफू और शाओलिन कराटे वाली वाहियात फिल्में हॉलीवुड के आगे ऐसी है मानो बड़े जहाज के आगे कागज की नाव। सैटेलाइट टीवी पर नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी, हिस्ट्री जैसे इंफोटेनमेंट चैनल्स का चीन के पास तो क्या पूरी दुनिया के पास जवाब नहीं है। वेब प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे चैनल की तूटी बोल रही है चीन कहाँ टिकता है इस खेल में। सोशल नेटवर्क पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे अमेरिकी कंपनियों ने दुनिया के 90% से ऊपर की आबादी को अपने प्रभाव में रखा है। आप इनके बिना अपने दिनचर्या की कल्पना नहीं कर सकते। चीन कहाँ टिकता है इसके आगे? अमेरिका के बनाए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, फैंटम और टॉम एंड जेरी जैसे कैरेक्टर दुनिया के बच्चों के दिमाग पर छाए हुए हैं। बचपन से ही उनके दिमाग पर अमेरिकी ताकत का प्रभाव पड़ने लगता है। दरअसल चीन दुनिया से बटोरी हुई दौलत से ऐसा फूला हुआ गुब्बारा बन गया है जो दिखने में तो विशाल लगता है, पर इसकी टक्कर में कोई खास ताकत नहीं होती। अब यह अपने आप को एक शतक से ऊपर कड़ी मेहनत से इवॉल्व हुए दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश से टक्कर लेने में सक्षम समझता है, पर यकीन मानिए यह लड़ाई शेर और गीदड़ की साबित होगी। अमेरिका की उन्नत तकनीक का एक छोटा पिन ही इस चीनी गुब्बारे की हवा निकाल कर रख देगा और यह जमीन पर धड़ाम हो जाएगा।
इंतजार कीजिए, खेल शुरू हो चुका है।